हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर गुड। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी हेयर सीरम। अभी आप मेरे हेयर देख सकते हो कितने ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, स्टिकी लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली भी फील हो रहा है मुझे और बहुत ज़्यादा बेकार हो गए थे मेरे बाल। तो मैंने सोचा अपना हेयर ट्रीटमेंट करती हूँ, मतलब वो सीरम लगाऊंगी और साथ ही साथ आपके साथ शेयर भी करूंगी। बहुत ही ईजी है वो सीरम बनाना, ओनली दो चीज़ों से मैंने सीरम बनाया है और कुछ भी कॉस्टली नहीं है। बहुत ही ईजी तरीके से आपको किसी भी स्टोर पे, केमिस्ट पे मिल जाएंगी दोनों चीज़ें। ये ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, कोई सा भी कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा पतंजलि का एलोवेरा जेल मैंने लिया है, आप कोई सा भी जेल यूज़ कर सकते हो। सिर्फ यही दो चीज़ें चाहिए होंगी और मैं अभी लगभग दो चम्मच मैं इसमें कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ। ओनली दो चम्मच ही काफ़ी है। अगर आप क्या आपके हेयर में से थिक हैं और या फिर लॉन्ग हैं तो आप डबल कर सकते हो उसकी क्वांटिटी अपने हेयर के हिसाब से। तो मैंने ये दो बड़े चम्मच मैंने ऑयल लिया है, कोकोनट ऑयल, ये देखिए। अब इसके बाद में मैं एलोवेरा जेल डालूंगी इसके अंदर। एलोवेरा जेल भी मैं दो चम्मच ही डालूंगी। आप चाहे तो आपका प्लांट का जो होता है एलोवेरा जेल वो भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसा भी आपको आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हो। मैं भी इसमें सेम क्वांटिटी में ही ये एलोवेरा जेल ले रही हूँ। दो चम्मच ही मैंने ऑयल लिया है और दो चम्मच ही जेल लिया है, ये देखिए। तो अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। तो देखिए अच्छे से मिक्स करना है, ये एकदम सीरम की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। इतने अच्छे से मिक्स करना है इसको और वो सीरम एकदम लाइट ग्रीन कलर हो जाएगा अभी आप देखना। तो देखिए कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए, बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल सीरम की तरह ये बन चुका है। अब इसके बाद मैं अपने हेयर में अप्लाई करूँगी। सबसे पहले मैं मांग में अपनी जड़ों में लगाऊँगी, अपने बालों के सारी जड़ों में सबसे पहले लगाना है, क्योंकि अगर आप जड़ों में लगाओगे तो इसका जो बेनिफिट है ऑयल का और जेल का वो आपके जड़ों को भी मिलेगा और आपकी जो स्कैल्प है वो मॉइस्चराइज भी हो जाएगी एंड काफ़ी आपके हेयर जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, सिल्की स्मूथ हो जाएंगे बहुत। तो इस तरीके से मैं अपने हेयर में सारे में लगाऊंगी, मांग निकाल के इस तरीके से लगाऊंगी। तो लगभग मैंने सारा हेयर में लगा चुकी हूँ। अब मैं मसाज करूँगी। मसाज करनी है ओनली हैंड से, फिंगर से करनी है, अपने नेल्स की तरफ से नहीं करनी है, ओनली फिंगर से एंड इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। बहुत ही आराम से मसाज करनी है सारे हेयर में, मेक श्योर लग जाना चाहिए ये सीरम। तो इस तरह से मसाज करूँगी मैं अपने दोनों हाथों से, इस तरह से सर्कुलर मोशन में मैं मसाज कर रही हूँ। मसाज बहुत अच्छे से करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 मिनट अगर आपके पास अगर 5 मिनट टाइम है तो आप 5 मिनट करिए, नहीं तो 2 से 3 मिनट तो आपको करना ही है मसाज को। अब मसाज करने के बाद अब सीरम को मैं अपनी हेयर लेंथ में लगाऊँगी, हेयर लेंथ में अच्छे से लगाऊँगी और अपनी टिप पर ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये टिप ही एक चीज़ होती है जहाँ से आपको दूर हुए बाल होते हैं। टिप ही छोड़ना नहीं है उसको, मेन वो ज़रूर आपको उस पर मसाज करनी है अच्छे से। इस तरीके से सारे हेयर में मेक श्योर लग जाना चाहिए, सारे में जड़ों में एंड आपकी लेंथ में भी लग जाना चाहिए अच्छे से। तो सब में लगाने के बाद मैं टाई कर लूँगी बालों को। तो मैंने अपने हेयर में अच्छे तरीके से सीरम को अप्लाई कर लिया है। अब मैं हेयर को टाई कर लूँगी, क्लचर से टिक टक कर लूँगी। उसके करीब एक घंटे बाद मैं वॉश करूँगी हेयर को। तो इस तरीके से देख सकते हो क्लचर से टक कर रही हूँ। अब चाहे कोई भी काम करो चाहे कुछ भी करो, 1 घंटे बाद मैं वॉश कर लूँगी। तो मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए हैं। अभी आप मेरे हेयर देख सकते हो कितने मैनेजेबल हो गए हैं, कितने सिल्की स्मूथ एंड शाइन आप देख सकते हो, कितने अच्छे से शाइन नज़र आ रही है। ये मैं आपको लाइट में दिखा रही हूँ, अपनी रिंग लाइट में दिखा रही हूँ एंड विदाउट रिंग लाइट भी दिखाऊंगी आपको। आपको लग रहा हो कि लाइट में तो बाल शाइनी नज़र ही आएंगे, आपको रिंग लाइट ऑफ करके भी दिखाऊंगी मैं। शाइन देखिए कितनी अच्छी वाली शाइन आ रही है सच में। ये दो चीज़ें आप यूज़ करो आपके बाल, सच में एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना है मेरे कहने पर। ये दो चीज़ें आप खुद इसका रिजल्ट देख पाओगे खुद से। अब मैंने रिंग लाइट ऑफ कर दिया, अब रिंग लाइट ऑफ करने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए अब और भी ज़्यादा आपको शाइन नज़र आ रही है, शायद वो लाइट में उतना ज़्यादा शाइन नहीं पता चल रही थी जितने अच्छे से अभी शाइन नज़र आ रही है। तो देखिए कितने अच्छे से बाल एकदम मैनेजेबल हो गए हैं, बहुत सिल्की स्मूथ एंड बेबी सॉफ्ट लग रहे थे हेयर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना एंड कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। और ये नेचुरल है, नेचुरल लाइट में भी मैंने आपको दिखा दिया है हेयर कैसे लग रहे हैं नेचुरल लाइट में। तो चलिए मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।